नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। अशोकनगर साढ़ौरा की ऐतिहासिक धरोहर प्राचीन शिवालय स्टेशन रोड पर सरोवर के किनारे स्थित है। मराठा कालीन निर्मित इस शिवालय में आदिदेव शिव नीलकंठेश्वर के रूप में माता पार्वती एवं पुत्र गजानन और नंदी महाराज के साथ विराजमान है। सैकड़ों साल पुराने कागजात मंदिर के पुजारी गिरजाशंकर पंडा के प्रपोत्र एवं गजानंद पंडा के पुत्र ओम प्रकाश पंडा के पास मौजूद हैं, जिनको देखने से मंदिर के प्राचीन होने का आभास होता है। इस मंदिर की पूजा ओम प्रकाश पंडा के परिवार के द्वारा 7 पीढ़ियों से की जा रही है। ओम प्रकाश के पुत्र सौरभ पंडा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्राचीन मंदिर में महाशिवरात्रि के दिन साक्षात देववास होता है एवं इस मंदिर में भगवान महादेव की पिंडी कितनी भी पानी भर जाए तो भी डूबती रही हैं। भगवान नीलकंठेश्वर यहां आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु भक्तों के रोगों को हरते हैं। इस मंदिर की शिव मंदिर सेवा समिति के अध्यक्ष वरिष्ठ प्रबुद्ध पूरन सिंह रघुवंशी सेवानिवृत्त शिक्षक ने बताया कि इस मंदिर में वास्तुशास्त्र के अनुसार पुराण वर्णित भगवान शिव पंचायत की स्थापना है। उन्होंने बताया कि मंदिर में आगे एक कुंड था जो समयांतर में भरकर विलीन हो गया। तत्पश्चात शिव मंदिर सेवा समिति ने पुजारी पंडा जी के सहयोग से मंदिर व्यवस्था को देखते हुए निज मंदिर का रंग रोगन एवं विशाल ग्राउंड का जीर्णोद्धार कमरों का निर्माण आदि किया। उन्होंने कहा कि यहाँ वर्ष भर रामायण का पाठ चलता है। एक वर्ष पूरा हो जाने पर भंडारा किया जाता है। बुधवार 29 जुलाई को इसी क्रम में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें कन्या भोज ब्राह्मण भोज के साथ नगर के नागरिक जनों ने प्रसादी ग्रहण की। Thank you.
मोहल्ला स्थित शिव मंदिर है, इस शिव मंदिर का क्या इतिहास रहा है? शिव मंदिर ये बहुत पुराना मंदिर है, कम से कम 600 साल पुराना मंदिर है। इसके पुजारी कहते थे, सब परमानंद जी 1907 तक पहले पुजारी थे, वो कहते थे कि हमारे पास की सनद है 600 साल पुरानी, तो उनका 600 साल पुराना बताते थे ये शिव मंदिर चारोरा का सबसे प्राचीन मंदिर है। इससे पुराना कोई मंदिर चारोरा में नहीं है, बड़ा विशाल है, बहुत सुंदर है देखने में। और भगवान शिव का लिंग है और माता पार्वती की प्रतिमा है, भगवान गणेश जी की प्रतिमा है, नंदीश्वर जी की बहुत सुंदर प्रतिमा है और कच्छप जी की है, पीछे मृत देवता है। इस प्रकार इसके चारों जैलान बनी हुई थी, लेकिन एक उत्तर साइड की जैलान इसकी गिर गई थी, अब गिरने के बाद में फिर वो वहाँ पर चबूतरा बना दिया गया है। 1980 में श्री गिरिजा शंकर जी ने एक समिति की स्थापना की इस मंदिर की, और ये कहा कि ये समिति जो इसने पैसा लगा उसका आधा पैसा हम देंगे। उन्होंने आधा पैसा दिया, समिति ने लगाया, फिर इसका जीर्णोद्धार शुरू हुआ। जब से लगातार 30 साल तक इसका जीर्णोद्धार चलता रहा है। तो मंदिर के आगे एक कुंड है जिसमें 60 फुट चौड़ा, 60 फुट लंबा है, जिसमें सुइयाँ लगी हुई हैं चारों तरफ से, लेकिन वो आज से 60 साल पहले पुर गया। वो उसकी मन टूट गई थी, पानी भरने लगा था, लोगों ने कूड़ा कचरा घर में डाल के उसको टूट दिया है। अब उसको उगाने को इच्छा नहीं होती है, मैदान हो गया उसके यहाँ है और तार पेंशन हो गया है। 1992 में थोड़ा सा यहाँ संघर्ष चला था मुसलमान और हिंदुओं में, उसमें हमारे मुसलमान कहते थे कि हमारी ताजी रखने के लिए कुंड पुर गया था, मैदान हो गया था, रख ली थी कि ताजिया मुसलमान, तो हमने कुछ रोका नहीं हिंदुओं ने और वो ताजिया रखते गए। बाद में हमने जब उसकी सीमा आंकन किया तो लोग उन्होंने ऐतराज़ किया और सुकून सिखाते थे कलेक्टर वगैरह पर, वहाँ पर वो उन्होंने मीटिंग लेने के बाद में निश्चय हुआ कि उन्होंने इस मंदिर का मंदिर के लिए सुपुर्द कर दिया गया है। सरकार की ओर से इसमें कार पेंशन किया गया, उसमें फादर लगाया गया है और इस समय वो मंदिर के अधिकार में है। इस प्रकार ये मंदिर जो है इस समय अच्छी स्थिति में है, उसकी बहुत मरम्मत हो चुकी है, समिति ने मरम्मत करवाई है, पुजारी जी ने उसमें आधा पैसा दिया, आधा समिति ने लगाया। इस प्रकार मंदिर अच्छी काफ़ी समय अच्छी स्थिति में और अच्छी पूजा चल रही है, उनकी ओम प्रकाश शर्मा उनकी पूजा कर रही है। ओम प्रकाश शर्मा जी इसकी पूजा कर रहे हैं, जो उसके पुजारी हैं, शिव मंदिर जो कुंड मोहल्ला में स्थित है। लेकिन आदरणीय श्री पूरन सिंह जी की बताइए कि जो कुंड है इस समय पुर गया है, उसका क्या भी कुछ उपयोग हो सकता है और उसको हम सब मिलकर, आप सब मिलकर उसको क्या साफ स्वच्छ फिर से कर सकते हैं? पुरातत्व विभाग ने हमें स्वीकृति दे दी थी कि यदि आप चाहो तो इसको उगाड़ करके क्योंकि जमीन के अंदर की न करना पुरातत्व विभाग के अंदर कर होता है, लेकिन हमने इसलिए नहीं किया तो उसका कोई उपयोग नहीं है, तो तमाम कचरे गिरेगा उससे, उसका कोई उपयोग न होने के कारण उसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, यहाँ पर पानी वगैरह की व्यवस्था मंदिर में ठीक है, कैसे उपलब्ध हो पाता है इसकी सफाई के लिए, धुलाई के लिए? मंदिर के पश्चिम दिशा में ट्यूबवेल लगा हुआ है और ट्यूबवेल से हमने लेजम ले ली है, उसमें पानी भर लेते हैं मटकों में और टंकियों में, उससे इसकी सफाई और दवाई होती रहती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद श्री पूरन सिंह रघुवंशी जी। हम बात कर रहे थे सहाटा नगर के एक प्रबुद्ध जन, बुजुर्ग जन, सेवानिवृत्त शिक्षक श्री पूरन सिंह रघुवंशी जी से, उन्होंने किस तरीके से इस मंदिर का इतिहास वृत्तांत बताया। हम बैठे हुए हैं आज सहाटा नगर के कुंड मोहल्ला में शिव मंदिर स्थित, जिन्हें नीलकंठेश भगवान के नाम से भी जाना जाता है, जो अति प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर जो आता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। मैं अशोकनगर से चीफ ब्यूरो समय जगत के लिए रेखा नामदेव की रिपोर्ट। खबर समय जगत के लिए अशोकनगर से ब्यूरो चीफ रेखा नामदेव की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।